इंदौर में गरबा महोत्सव की धूम है। चारों तरफ गरबों के पांडाल सजे हैं और उसमें महिलाएं माता की भक्ति में लीन हैं। इसी कड़ी में सुदामा नगर में भी मिलन विकास समिति की तरफ से गरबों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं गरबा करती दिखाई पड़ रही हैं। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर का सुदामा नगर काफी बड़ी कॉलोनी है, जहां पर जगह जगह गरबों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां पर मिलन विकास समिति पिछले 23 सालों से गरबों का आयोजन कराती आ रही है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में गरबा नृत्य प्रस्तुत करती हैं। वहीं अब की बार इन महिलाओं ने सिर पर साफा बांधकर सुंदर गरबे की प्रस्तुति दी। मिलन विकास समिति के चंचला सोलंकी के मार्गदर्शन में आयोजित गरबा महोत्सव को लेकर डॉ. माया शर्मा ने बताया कि हर साल उनकी समिति पारंपरिक तरीके से गरबे का आयोजन कराती है, जिसमें महिलाएं व्रत उपवास रख माता की भक्ति में लीन होकर गरबा नृत्य करती दिखाई पड़ती हैं। हम सब मिलन विकास समिति सुदामा नगर में उपस्थित गरबा में गरबा करने के आयोजन में हम सब उपस्थित हुए हैं, और ये गरबा जो है 23 साल से लगभग यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर सभी जो है मातृशक्ति के द्वारा सब आयोजन होता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये जैसा कि मंत्र है, ऐसा ही ये मातृशक्ति द्वारा ही नव दुर्गा का जो उत्साह उमंग और ऊर्जा के साथ आयोजन होता है, इसमें सभी बहुत उत्साह के साथ सम्मिलित होते हैं। एक साल से दो साल से बच्चे जो है कन्याएं हैं उनके साथ साथ सब माताएं बहनें सब अपना पूर्ण घर का काम करके और ऊर्जा के साथ यहाँ पर उपस्थित होके अच्छे से श्रृंगार करके गरबा करती हैं, और ये तभी संभव है जब सभी का सहयोग मिले, और ये मिलन विकास समिति इसी के ये सहयोग के द्वारा ही चल रही है 23 सालों से, और ये इसका हम नवदुर्गा में सभी इसका आनंद लेते हैं। आपका नाम बता दें। मैं श्रीमती डॉक्टर माया शर्मा, और हम सुदामा नगर की स्थानीय महिलाओं की तरफ से किए जा रहे इस आयोजन में जमकर भक्ति के रंग दिखाई दिए, और उनके जज्बे में माता की आराधना सबसे महत्वपूर्ण नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।